हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 19 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा चैनल पे अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। तो आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग, सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं इस इम्पोर्टेंट सेशन में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेली एग्रीकल्चर करेंट अफेयर के बारे में। तो यहाँ पर पहली हेडलाइन है, CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्स इंक्रीज इन शुगर केन FRP। FRP क्या है? फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस बाय ₹10 टू ₹285 पर क्विंटल फॉर सीजन 2020-21। तो यहाँ पे CCEA ने इंक्रीज कर दिया है FRP। जैसा कि आपको पता है, शुगर केन का FRP होता है, बाकी क्रॉप्स का MSP होता है। ऐसे ही शुगर केन क्रॉप के लिए फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस डिक्लेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। तो यहाँ पर ₹10 यहाँ पर एनहेंसमेंट हुआ है। जो प्रीवियस ईयर का FRP था शुगर केन का, वो था ₹275 पर क्विंटल, जिसमें अब ₹10 इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब हो गया है ₹285 पर क्विंटल, जो कि 2020-21 सीजन के लिए रहेगा। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन MOU टू टेक द कन्वर्जेंस एंडेवर अहेड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच में MOU साइन हुआ है, जो कि इन फील्ड को डेवलप करने के लिए और आगे ले जाने की बात की गई है। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए और यहाँ पे ट्रैवल क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, इन दोनों मिनिस्ट्री के बीच में MOU साइन हुआ। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे लास्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, वन नेशन वन राशन कार्ड जर्नी सो फार एंड जर्नी अहेड। तो यहाँ पे बात हो रही है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की। तो जानेंगे अभी तक क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, कितने लोगों को इससे बेनिफिट मिला है, कब लॉन्च हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, तो यहाँ पे बात हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, जो कि अप्रूव करता है FRP या फिर MSP, दोनों ही ये अप्रूव करती है। जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो PM कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो इसके चेयर करते हैं इसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को। तो इन्होंने ही, मतलब इस कमेटी ने ही अप्रूव किया है फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस FRP शुगर केन के लिए, जो कि अब 2020-21 सीजन के लिए रहेगा, जो कि आपका अक्टूबर 2020 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर 2020 से नया सीजन स्टार्ट होगा शुगर केन के लिए, और तब से जो इंक्रीमेंट हुआ है FRP में, शुगर केन की FRP में जो बढ़ोतरी हुई है वो लागू हो जाएगी। तो जो भी शुगर मिल होंगे उनको उस रेट के हिसाब से किसानों को पेमेंट देनी पड़ेगी शुगर केन के लिए, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बोला गया है, द CCEA हैज अप्रूव्ड द फूड मिनिस्ट्री प्रपोजल ऑन इंक्रीजिंग द शुगर केन FRP बाई ₹10 पर क्विंटल। तो यहाँ पे बात हो रही है कि CCEA ने एक प्रपोजल आया था फूड मिनिस्ट्री की तरफ से कि ₹10 की बढ़ोतरी की जाए, इंक्रीमेंट किया जाए शुगर केन के FRP में, उसको अप्रूव कर लिया गया है CCEA के द्वारा, जो कि पहले कितना था ₹275 पर क्विंटल, अब उसमें ₹10 की बढ़ोतरी हो गई है। आगे बोला गया है, द मिनिमम प्राइस शुगर मिल पे टू शुगर केन ग्रोअर बाई ₹10 टू ₹285 पर क्विंटल फॉर नेक्स्ट मार्केटिंग ईयर स्टार्टिंग अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अब ₹10 की बढ़ोतरी के साथ अब जो शुगर केन का FRP होगा वो होगा ₹285 पर क्विंटल, जो कि नेक्स्ट मार्केटिंग ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, जो स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 2020 से। तो अक्टूबर 2020 से
किसान के जितने भी शुगर केन के ग्रोअर हैं उनको यहाँ पर 285 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जितने भी शुगर मिल हैं वो पे करेंगे शुगर केन का FRP, इतना आपको यहाँ पर पता रखना है। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि FRP अनाउंस कौन करती है, तो CCEA करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। CACP की रिकमेंडेशन पर ही FRP अनाउंस करती है शुगर केन के लिए, और बाकी MSP भी अनाउंस किया जाता है बाकी क्रॉप्स के लिए। तो जो CACP है उसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो CACP का मतलब क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कब आया, उससे पहले थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, इसके लिए हम बात करेंगे APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो कि 1965 फर्स्ट जनवरी को एस्टेब्लिश हुआ। ये कमीशन 1 जनवरी 1965 को एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ, और 1985 में 1985 में APC का नाम चेंज करके CACP कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि 1985 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और CCEA के जो चेयर करते हैं वो होते हैं प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर। जिस सीजन में भी उस कंट्री के जो PM होते हैं वही CCEA को चेयर करेंगे, तो प्रेजेंट में मोदी जी इस कमेटी को चेयर करते हैं, इतना आपको पता रखना है। और ये कमेटी अप्रूव करती है FRP और MSP। आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे बात की जा रही है द FRP विच इज डिटरमाइंड अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। तो यहाँ पे जो FRP डिटरमाइन की जाती है शुगर केन की, वो की जाती है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो इस ऑर्डर के तहत FRP शुगर केन के लिए डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल हैव टू पे टू शुगर केन फार्मर, और ये ऑर्डर कहता है कि आपको इतना मिनिमम प्राइस पे करना पड़ेगा शुगर केन फार्मर्स को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है FRP, ठीक है। तो यहाँ पर 285 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से शुगर मिल को पे करना होगा शुगर केन फार्मर्स को शुगर केन परचेस करने पे, ठीक है। आगे यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो CACP है ये एक आपका बॉडी है जो कि प्राइसिंग पॉलिसी को यहाँ पर एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CCEA यहाँ पे अप्रूव करती है FRP और MSP। आगे ये बोला गया है द गवर्नमेंट एस्टिमेट द कंट्रीज टोटल शुगर प्रोडक्शन टू बी 28 to 29 million tons इन द करेंट ईयर। तो यहाँ पर अगर हम अगले महीने तक का जो जोड़ेंगे एस्टीमेट, तो वो लगभग 28 से 29 मिलियन टन का प्रोडक्शन इस बार होगा शुगर केन का, जो कि कम है। पिछले ईयर में जो प्रोडक्शन था वो था 33.1 मिलियन टन 18-19 की बात कर रहे हैं, और 19-20 में 28 से 29 मिलियन टन होने की चांसेस है, उम्मीद है। तो यहाँ पर फॉल हुआ है प्रोडक्शन में शुगर केन के में, और ये हुआ है किसकी वजह से, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस बार काफ़ी डाउन हुआ है शुगर केन का प्रोडक्शन, और यही कारण है कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट किया है। और यहाँ पर पिछले ईयर के कंपेयर में 18-19 के कंपेयर में 19-20 में शुगर केन का जो टोटल एस्टीमेट है वो कम यहाँ पर निकाला गया है। अब यहाँ पे बात आ रही है शुगर केन के प्रोडक्शन की, तो वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे कि कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर ब्राज़ील ऐसा कंट्री है जो फर्स्ट रैंक है उसकी शुगर केन प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंट्री में अगर सबसे ज़्यादा जो शुगर केन प्रोड्यूस करता है तो वो ब्राज़ील है, देन इंडिया है, तो इंडिया की सेकेंड रैंक है, और सबसे ज़्यादा कंजप्शन इंडिया में होता है शुगर केन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है चाइना, फोर्थ पे है थाईलैंड, और फिफ्थ पे है पाकिस्तान। ये 2019 दिसंबर का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉप 5 कंट्री मैंने आपको बता दिए हैं शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में। अब बात करेंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर स्टेट वाइज अगर हम बात करेंगे तो UP ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा शेयर रखता है शुगर केन प्रोडक्शन में, जो कि टोटल ओवरऑल जो इंडिया का प्रोडक्शन होता है उसका 46.98% केवल और केवल यूपी प्रोड्यूस करता है शुगर केन, इतना आपको पता रखना है। अब आपको क्वेश्चन बताना है कि जो इंडिया में सेकंड स्टेट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है एनुअली, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इसका क्या आंसर हो सकता है कि इंडिया में सेकंड स्टेट का नाम आपको बताना है जो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तक आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो कि इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से आपको मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन MOU टू टेक
कन्वर्जेंस एंडेवोर अहेड। तो यहाँ पे बात हो रही है एंडेवोर की, मतलब भी जान लेते हैं क्या होता है, तो उसको बोलते हैं प्रयास करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि इन दोनों सेक्टर्स को, चाहे वो आपका रूरल डेवलपमेंट हो चाहे वो आपका ट्रैवल अफेयर, तो इनको आगे ले जाने की बात की गई है। उसी के बीच यहाँ पर MOU साइन किए गए हैं इन दोनों मंत्रालय के बीच में, इन दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बोला गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, अभी उन्होंने एक एड्रेस किया था स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को, ठीक है, अक्रॉस दी इंडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो उन्होंने यहाँ पर बोला था लिवरेजिंग द SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेटफॉर्म फॉर रूरल इकोनॉमी ग्रोथ थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके यहाँ पर बेनिफिट बताए थे, लाभ बताए थे, जो कि हमारी रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जो आपकी रूरल वुमेंस होती हैं उनको काफ़ी यहाँ पर एम्पावर करने के लिए बनाए गए हैं। जान लेते हैं इसके बारे में आगे। तो आगे बोला गया है एड्रेसिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस श्री तोमर सेड DAYNRLM, इसको जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर DAYNRLM का मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसी को हम DAYNRLM बोलते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है सेट दैट DAYNRLM हैज फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ द SHG नेटवर्क। तो इसी के थ्रू SHG नेटवर्क क्रिएट हुआ है ऑल ओवर द इंडिया। अगर हम बात करेंगे अब तक 66 लाख SHG वर्क कर रहे हैं, कितने 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क कर रहे हैं, जिसने लगभग 7.14 करोड़ रूरल वुमेन को कवर किया हुआ। ठीक है, तो पूरे भारत की 7.14 करोड़ रूरल वुमेन ऐसी हैं जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ SHG निकाले हुए तो वो आपका आएगा 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं और वो प्रमोट कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी को विद द हेल्प ऑफ रूरल वुमेन। तो यहाँ पर इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पर ये बोला गया है फर्दर एम्फेसाइज शुड बी गिवन टू प्रमोट लाइवलीहुड थ्रू अ कन्वर्जेंस अप्रोच टू एनहेंस देयर इनकम। और यहाँ पर सीधा ये बोला गया है कि लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाए, जो यहाँ पर रोजी रोटी वो कमा रहे हैं, जो भी चाहे वो रूरल वुमेन हो या फिर फार्मर्स हों, उनको प्रमोट करना और यहाँ पर उनकी इनकम को एनहेंस करना, इसी उद्देश्य के लिए इन दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे ये बोला गया है तोमर सेड मिनिस्ट्रीज प्रेजेंट इन दी वर्कशॉप ऑल्सो हैव स्कीम डिजाइन टू सपोर्ट FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ने बहुत सारी वर्कशॉप की हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिल सके और वो भी बॉटम लेवल से रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। आगे यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ऑन दी ओकेजन, इस ओकेजन पे यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर रिलीज अ बुक। और इसी ओकेजन पे हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक बुक रिलीज की है जो कि एग्जाम में आ सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, जो कि आपका किसके अंडर में रिलीज हुई है DAYNRLM, जो कि मैंने आपको बताया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे इस इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार आ रहा है DAYNRLM। तो यहाँ पर इससे पहले बात करेंगे तो DAY नहीं था, उससे पहले 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2011 में, उसके बाद 2015 नवंबर में इसका नाम चेंज करके क्या हो गया DAYNRLM। तो इसमें क्या जुड़ गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना आगे जुड़ गया, जो कि नवंबर 2015 से वर्क करने लगी। इतना आपको पता होना चाहिए इस इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में, जो कि रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहा है, रूरल फील्ड में डेवलपमेंट कर रहा है। और यहाँ पर अनाज के बारे में भी बात की गई है, क्योंकि ये क्या है आपका अंत्योदय योजना है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो फार्मर्स का है, रूरल एरिया का है, वुमेन्स का है, ये यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर इसका जो टैग है वो क्या है, स्ट्रेटजी कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क और मॉडल्स। तो यहाँ पर आपको किताब का नाम याद रखना है, फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन इज द नेम ऑफ बुक।
जो रिलीज की है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस इंपॉर्टेंट ओकेजन पे। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से जल्दी शेयर करो इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी स्टूडेंट को लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहे। आगे बात करेंगे और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वन नेशन वन राशन कार्ड जर्नी सो फार एंड जर्नी अहेड। तो यहाँ पर जो स्कीम है ONORC, मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी जर्नी की बात की गई है, ये कैसा वर्क कर रही है ऑल ओवर द इंडिया, इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब इम्प्लीमेंट हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जो कि वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी थी किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी योजना में से एक है, जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। और यहाँ पर क्या होता है, इसके थ्रू लोगों को अनाज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसका एक और फायदा है कि वो कहीं से भी, जो पर्सन है, जो बेनिफिशियरी है, वो कंट्री में कहीं भी रह के उस योजना का लाभ ले सकता है, और अपने हिस्से का जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडी के तहत वीट और राइस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो उसको कहीं से भी मिल सकते हैं। जो कि यहाँ पर बात की गई है कि बेनिफिशियरी कवर्ड अंडर NFSA टू एक्सेस देयर एंटाइटलमेंट फ्रॉम एनी वेयर इन दी कंट्री। तो कंट्री में कहीं भी रह के वो अपने हिस्से का अनाज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, वो ले सकता है। इसमें जो रेट की बात की जाती है, तो वीट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है 3 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग, और राइस प्रोवाइड कराती है 2 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है वो कब लॉन्च हुई। तो ये लॉन्च की गई थी 20 जनवरी 2020 को, ठीक है, 20 जनवरी 2020 को लॉन्च की गई बाय यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान जी, और इसको रोल्ड आउट किया गया 1 जून 2020, 1 जून 2020 से रोल्ड आउट हुई। अगर लॉन्चिंग डेट पूछता है तो 20 जनवरी 2020, और रोलिंग आउट की पूछता है तो 1 जून 2020 से ये स्कीम रोल्ड आउट हो गई इंडिया के कुछ स्टेट में। अब जानेंगे कितने स्टेट में ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे आगे बात की गई है कि प्रेजेंटली द फैसिलिटी ऑफ नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड इज सीमलेस इनेबल इन द इंटीग्रेटेड क्लस्टर ऑफ 24 स्टेट। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2020 से 24 स्टेट में ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जिसमें लगभग 65 करोड़ बेनिफिशरी कवर हो चुके हैं, जो कि 80% है NFSA पॉपुलेशन का, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला गया है, ये आपका क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 12 स्टेट अभी तक रिमेनिंग है जो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, जहाँ पे टारगेट है कि मार्च 2021 तक इन सभी 12 स्टेट्स को भी कवर कर लिया जाएगा अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये आपको पता रखना। तो 24 स्टेट में वर्क कर रही है और यहाँ पर 12 स्टेट, तो यहाँ पर 24 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी है, कन्फ्यूज मत होना, देखो टोटल जो स्टेट है वो 28 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके 8 क्या हैं, 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं, तो ये आपके हो गए 36, और यहाँ पर 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये भी आपके 36 हो गए। तो कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 स्टेट में 24 स्टेट नहीं है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी भी है, वो भी हम जान लेंगे क्या क्या है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि टोटल 36 बैठते हैं अगर आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आपस में मर्ज कर लें तो, जिसमें से अभी 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसी भी कारणवश लॉन्च नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो टारगेट है वो ये है कि मार्च 2021 तक ये स्कीम हर राज्य में और हर यूनियन टेरिटरी में लॉन्च हो जानी चाहिए, इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है स्टेट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम, तो ये स्टेट हैं जहाँ पर ये स्कीम लॉन्च हो चुकी है और अच्छे से वर्क कर रही है, बाकी रिमेनिंग 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मार्च 2021 तक इसको लॉन्च कर लेंगे। तो अगर हम इस योजना के अंडर बात करेंगे तो 23 करोड़ राशन कार्ड बने हैं, जिससे लगभग 80 करोड़ बेनिफिशरीज को लाभ मिलेगा इस इम्पोर्टेंट स्कीम का, ठीक है, 80 करोड़ फैमिलीज को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है डायरेक्टली इस स्कीम की हेल्प से, ये आपको पता रखना है, जो कि लॉन्च की गई थी 20 जनवरी 2020 को रामविलास पासवान जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर ये रोल्ड आउट हुई थी स्कीम 1 जून 2020 को, इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं सारी करंट अफेयर आपको वन बाय वन समझ में आई होगी। अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेरी का सोल्यूशन करने का। अब जैसा कि आपको पता है, वीडियो का लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है,
आता है, लेकिन क्वेश्चन से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था, नेशनल गॉड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहां पर बात हो रही है कि नेशनल गॉड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका आंसर है 23rd of May। तो 23 मई को नेशनल गोट डे सेलिब्रेट किया जाता है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, आप लोग पढ़ने लगे हो, तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि एग्री मंत्रा आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आता रहेगा जो कि ऑथेंटिकेट भी होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अब बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर बात हो रही है CCARI किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए, फोन उठाइए और टाइप कीजिए इसका आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पे। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या आपके ग्रुप में शेयर जरूर करना। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।